गाजा युद्ध अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां या तो हमास का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा या फिर इजराइल के ऊपर मुस्लिम मुल्क मिलकर हमला कर देंगे। हालात ये हो चुके हैं कि लगभग 900 घंटे के युद्ध में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल अब 10,000 घंटे और युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। सौ घंटे का युद्ध, हर दिन 4 घंटे हमला। सात अक्टूबर के बाद से गाजा का उत्तरी इलाका 60% से ज्यादा बर्बाद हो चुका है। हमास के 45,000 लड़ाके इजरायली सेना के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बने हुए हैं। वहीं हमास के चीफ इस्माइल हानिया कतर में बैठकर इजरायल की तबाही और बर्बादी का ख्वाब देख रहे हैं। इधर नेतन्याहू की युद्ध सरकार पूरे गाजा को इस तरह से साफ कर रही है ताकि आने वाले फिलिस्तीन की 10 पीढ़ियां भूल कर भी हमास जैसा हमला करने की जरूरत ना कर पाए। इजरायली सेना खूंखार हो चुकी है। अब तक 900 घंटे का युद्ध गाजा में हो चुका है। हर दिन 4 घंटे लगातार इजरायली सेना गाजा, वेस्ट बैंक और लेबनन बॉर्डर पर हमले कर रही है। अब तक 13,000 से ज्यादा लोग गाजा युद्ध में मारे जा चुके हैं। अब ऐसे हालात में सवाल उठता है कि हमास हार कब मानेगा और इजरायल गाजा में बड़ी जीत का ऐलान कब करेगा। इस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। लेकिन इस बीच इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेत को खबर मिली है कि हमास 7 अक्टूबर जैसा एक और हमला करने का प्लान बना रहा है, लेकिन इस बार हमास के साथ हिजबुल्ला के हथियार और लड़ाके इजरायल को गहरे जख्म देने की तैयारी कर चुके हैं। हमास के पास रूसी हथियार, 10,000 रॉकेट से हमला। ईरान, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र किसी भी कीमत पर हमास की हार को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हिजबुल्ला का चीफ चीख चीख कर दावे कर रहा है कि हमास को हराना नामुमकिन है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने ऐलान कर दिया है कि इजराइल गाजा युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा। आखिर ये मुस्लिम मुल्क किस दम पर दावा कर रहे हैं कि इजराइल गाजा युद्ध नहीं जीत पाएगा। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शिन बेत को कुछ ऐसे खुफिया इनपुट मिले हैं जिसकी वजह से इजरायली सेना के सामने बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। इस वक्त हमास के 10,000 से 12,000 लड़ाके उत्तरी गाजा में इजरायली पैदल सेना, टैंक, बख्तरबंद वाहन और बुलडोजर पर रॉकेट से भीषण अटैक कर रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास हजारों की तादाद में रूसी रॉकेट पहुंच चुके हैं। इसलिए हमास के टॉप कमांडर और नेता रूस और राष्ट्रपति पुतिन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए रूस बार बार चेतावनी दे रहा है कि इजरायली सेना जरूरत से ज्यादा गाजा में हमले ना करे वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। हम आपको अब ये बताने जा रहे हैं कि इस वक्त इजरायली सेना हमास के लड़ाकों और कमांडरों को मारने के लिए किस वॉर प्लान पर काम कर रही है। गाजा पट्टी से जो खबरें बाहर आ रही हैं, वो वाकई हैरान करने वाली हैं। इजरायली सेना ने कैसे 900 घंटे के युद्ध में 65 से ज्यादा हमास के कमांडरों को मार डाला है। जरा ये समझ लीजिए, हमास के लड़ाकों के बीच इजरायल के कुछ ऐसे एजेंट हैं जो हमास के कमांडर और लड़ाकों के हर हमले और हरकत की खुफिया जानकारी इजरायल की खुफिया एजेंसी और सेना को दे रहे हैं।
जैसे ही सुरंग में छिपे हमास के लड़ाकों और कमांडरों की जानकारी का सिग्नल हमास के बीच छिपे एजेंट इजरायली सेना को देते हैं, उसके बाद इजरायल तेजी से अपने हवाई और जमीनी कमांडरों को टारगेट की लोकेशन की जानकारी दे देता है, जिसके बाद सुरंग में मौजूद इजरायल के एजेंट एक सुरक्षित दूरी पर चले जाते हैं, जबकि हमास के कमांडर और बाकी लड़ाके इजरायल के हवाई और जमीनी हमले में बुरी तरह से मारे जाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमास के 5,000 से ज्यादा लड़ाकों को इसी तरह से खुफिया इनपुट के आधार पर इजरायली सेना ने मार गिराया है। यहाँ तक कि 65 से ज्यादा हमास कमांडर इसी तरीके से इजरायल ने मार डाले हैं। हमास के पास रूसी हथियार, 10,000 रॉकेट से हमला। इजरायल भले ही हमास को भीषण नुकसान पहुंचाने का दावा करे, लेकिन लगता है कि इस बार इजरायली सेना, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और बिन शे हमास की ताकत और वॉर प्लान को समझने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इजरायली हमले में दावा किया जा रहा था कि इजरायली सेना एक हफ्ते के अंदर उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी, लेकिन अभी तक इजरायली सेना सिर्फ 400 के करीब सुरंगों को तबाह कर पाई है। इधर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में हरा देंगे। आखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है? कुछ खबरों में तो यहाँ तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना की वर्दी पहनकर हमले कर रहे हैं। हमास सेना की शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना उनके टैंक, उनके बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों, यहां तक कि बुलडोजर पर भी हमास लड़ाके बेहद बेरहम और घातक हमले कर रहे हैं। जरा आप हमास की तरफ से जारी किए गए इस 2 मिनट 44 सेकंड के वीडियो की एक एक तस्वीर को देखिए, जिसमें 50% तक तबाह हो चुके गाजा में हमास के लड़ाके चारों तरफ से हमले कर रहे हैं। हमास की अल कसम ब्रिगेड के ये लड़ाके आरपीजी, थर्मोबैरिक ग्रेनेड, रॉकेट से इजरायली सेना पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। इजरायली सेना पर महज 100 से 150 मीटर दूरी से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि हमास की अल कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। हमास के पास जो घातक राइफलें हैं, उन्हें देखकर ही लग जाता है कि या तो ये अमेरिकी हैं या फिर रूसी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं, या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं। जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी बख्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुड़ा दिए हैं। खुद इजरायल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर हुए हैं कि उन्हें बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है। आज़ा ही बसिस टेरोर הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע קילומטרים של מנהרות, הן מתחברות אל בתי חולים,
אל בתי ספר, הן מחוברות ביניהם, יש בתוכם חדרי קשר, מחסני תחמושת, מקומות לינה, והכל על מנת לשמש בסיס של טרור שממנו ניתן לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובחיילי צה"ל. غازہ میں دفن ہونے لگی ایک لاکھ عمارتیں غازہ جنگ میں دوسرے فیز کی شروعات ہوئے دو ہفتے ہونے جا رہے ہیں اب تک 35,000 سے زیادہ عمارتیں اسرائیلی حملے میں تباہ ہو چکی ہیں غازہ میں مچا خونی غدر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اتری غازہ سے دکشنی غازہ کی طرف فلسطین اور حماس سمرتھک بھاگنے کو مجبور ہیں उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ 14 किलोमीटर की दूरी तय करने में फिलिस्तीनियों को 4 से 5 घंटे लग रहे हैं। गधे वाली गाड़ियां, पैदल और छोटे वाहनों में भर भर कर फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा पहुंच रहे हैं। नौ सौ घंटे का युद्ध, हर दिन 4 घंटे हमला। इधर इजरायली सेना गाजा में घुसकर हमले कर रही है। यही वजह है कि गाजा में इस वक्त 10 गुना मौतें होनी शुरू हो चुकी हैं। गाजा की तबाही देखकर 22 मुल्कों से बनी अरब लीग ने इसराइल को बहुत बुरे नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। वहीं दूसरी तरफ तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इस्तांबुल में एक प्रो फिलिस्तीन रैली के दौरान कहा था कि वो इसराइल को वॉर क्रिमिनल घोषित करने की तैयारी कर रहे हैं। एर्दोगन ने साफ कहा है कि गाजा में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए हम दुनिया के सामने इसराइल को युद्ध अपराधी घोषित करेंगे। आप गाजा पट्टी में जितने बड़े खून खराबे की कल्पना कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आपकी कल्पना और सोच से कहीं ज्यादा खूनी जंग गाजा में हो रही है। गाजा जंग अब इसराइल के वजूद से जुड़ गई है। या तो अब यहूदियों का इसराइल रहेगा या फिर मुस्लिम देशों के हीरो बने हमास का गाजा इसराइल को मिटा देगा। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुक बराक ने अब ऐसा खुलासा कर दिया है जो गाजा की जंग को शायद दुनिया की सबसे खूनी जंग बनाने जा रहा है। बराक ने दावा किया है कि इस वक्त गाजा पट्टी में हमास की सुरंगों में इसराइल के सबसे माहिर और बेरहम सैनिक हमास के लड़ाकों और कमांडरों को चुन चुन कर मार रहे हैं। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने न्यूज वीक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसराइल की IDF को गाजा पट्टी में बेहद शातिर और क्रूर हमास लड़ाकों से लड़ना पड़ रहा है। इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक ने दावा किया है कि सुरंग में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारने के लिए इसराइल ने अपने सबसे माहिर और बेहतरीन सैनिकों को भेजा है जिन्हें 269 साइरेट मटकल के नाम से जाना जाता है। इसराइल की ये ऐसी खुफिया सैनिकों की यूनिट है जो बेहद तेज दिमाग और दिलेरी से हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। दावा किया गया है कि इसराइल की 269 साइरेट मटकल ही हमास के कमांडरों और डिप्टी कमांडर्स को चुन चुन कर मार रही है। गाजा में दफन होने लगी 1 लाख इमारतें। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हर्जी हलेवी ने 4 मिनट के एक वीडियो में दावा किया है और कहा है कि इसराइली सेना युद्ध के अगले स्टेज में आगे बढ़ रही है। IDF के चीफ हलेवी ने दावा किया है कि इसराइल के सबसे अच्छे सैनिक और कमांडर गाजा में ग्राउंड पर हैं और पिछले कुछ दिनों से इजरायली सेना ने हमास के कमांडरों को निशाना बनाना और उन्हें खत्म करना जारी रखा है। खबरों के मुताबिक IDF की 150 फाइटर जेट्स ने 72 घंटे के अंदर 5,000 से ज्यादा हमले गाजा पट्टी में किए हैं। गाजा इंतजार कर रहा है। गाजा अपनी मौत का तमाशा देख रहा है। इसराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में सब कुछ बड़ी तेजी से तबाह हो रहा है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में उत्तर से दक्षिण तक वेस्ट बैंक और लेबनन बॉर्डर पर हर दिन 500 से ज्यादा हमले कर रही है। इसराइल की IDF हमास के ठिकानों, कमांड सेंटर, सुरंगों और रॉकेट लॉन्चर्स को निशाना बना रही है। खबर के दावों के मुताबिक 1700 से ज्यादा लोग इमारतों के नीचे दफन हैं।
इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली नेवी ने खान यूनुस में एक मिसाइल पैड पर हमला किया। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि वो रात में टैंकों के साथ उत्तरी गाजा में घुसे थे और आराम से हमास लड़ाकों को मारकर भाग गए। आईडीएफ ने हमास के कई ठिकानों और रॉकेट लॉन्च पोजीशन को निशाना बनाया है। 900 घंटे का युद्ध, हर दिन 4 घंटे हमला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ गाजा से दक्षिणी इजराइल में फिर से भारी संख्या में रॉकेट हमास ने दागे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी अश्कलोन शहर में कुछ रॉकेट गिरे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में हमास के रॉकेट गिरे हैं, लेकिन किसी की जान नहीं गई है। कुछ जानकारों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के बीच हीरो बनता जा रहा है। कतर भी अब इजरायल के खिलाफ खुलकर बोलने लगा है, जबकि जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ईरान, तुर्की और दबी जुबान से मिस्र भी इजरायली हमलों को लेकर सख्त तेवर दिखाने लगे हैं। लेकिन इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने सैनिकों का हौसला बढ़ाते हुए फिर कहा है कि इजरायल गाजा से हमास का पूरी तरह से खात्मा करने के बाद ही जंग रोकेगा। נשמיד את האויב מעל הקרקע ומתחת לקרקע. נילחם וננצח. יהיה זה ניצחון של הטוב על הרע, של האור על החושך, של החיים על המוות. गाजा पट्टी में इजराइल का ऑपरेशन ऑल आउट हमास के लिए सर्वनाश साबित हो रहा है। दिक्कत यह है कि मुस्लिम मुल्क चाहकर भी हमास के हथियारों से अब मदद नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ईरान दांत पीसने को मजबूर हो रहा है, लेकिन इजराइल पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर इजराइल पर हमला किया तो अमेरिका ईरान को तबाह करके रख देगा। अब देखना होगा कि इजराइल का दूसरा चरण हमास को गाजा पट्टी में कहां कहां दफन करता है।